what's going on? Welcome back to the channel. So, video का title और thumbnail देखने के बाद तो आपको पता चल ही होगा कि इस video में क्या होने वाला है. So, yes, I ordered myself a Canon EOS M50 mirrorless camera, which is over here. और उसी की unboxing होने वाली है इस video में. उससे पहले शायद आपने video के beginning में एक चीज़ notice करी होगी, वो थी introduction video और मेरे channel को logo, which was gifted by my brother Shadab. So, thank you so much, brother, for always being so supportive. Now, coming back to the camera. ये कैमरा मैंने क्यों ऑर्डर किया, इसके बेसिकली 3 रीज़न है. और जो फर्स्ट रीज़न है वो है व्लॉगिंग. अगर आपको मालूम नहीं है तो मैंने अपनी जितने भी वीडियोस बनाता हूँ वो अपने GoPro Hero 7 में बनाता हूँ. तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं और ये कैमरा मेरे हेलमेट में माउंटेड रहता है, तो उससे क्या होता है कि अगर हम कहीं ब्रेक लेते हैं या मुझे कोई टाइम लैप्स लेना पड़ता है तो उसके लिए मुझे पूरा कैमरा अपने हेलमेट से निकालना पड़ता है, उसके बाद व्लॉग करो या टाइम लैप्स करो, तो अच्छे से कुछ हो नहीं पाता. तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ये तो मेरा ये GoPro Hero 7 तो मेरे हेलमेट में माउंटेड रहेगा और ब्लॉगिंग के लिए मैं अब इस कैमरे को यूज़ करूँगा. एंड आई थॉट इट इज़ राइट टाइम टू अपग्रेड सिंस यू गाइज हैव बीन शोइंग मी सो मच ऑफ लव. और दूसरा जो रीज़न है वो है टू टेक गुड पिक्चर्स. जैसे हमारे YouTube के थंबनेल के लिए अच्छी पिक्चर्स, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारी इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पाती थी, तो उसके लिए अच्छी पिक्चर्स के लिए, बेसिकली अच्छी पिक्चर्स के लिए. और जो तीसरा रीज़न है वो है शौक. जी हाँ, शौक. मेरी एक दिली ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मेरे पास भी एक बड़ा DSLR कैमरा हो. दो दिस इज़ नॉट अ DSLR कैमरा, इट इज़ अ मिररलेस कैमरा. सो इसका साइज एक स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कैमरा है, बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल कैमरा. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस. लेकिन ये वो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं है. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन अचीवमेंट एंड गोल्स. सो यू नो, and to own this camera was one of my goals. So today I have this camera, so I'm really very happy. So चलिए, बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yes. And I was supposed to do the unboxing at Siliguri with my elder brother because he was as excited as me for the unboxing. To see this camera, sorry, not for the unboxing. And good thing is, जो अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे देखते कि मुझे एक बैग ज़रूर मिला है मुझे, क्योंकि कैमरा के कंटेंट में मैंने ये मुझे ये नहीं दिख रहा था कि इसमें एक बैग है. सो पैकिंग इज़ इन अ प्रिटी गुड कंडीशन, आई होप देख पा रहे हो आप लोग. सो आई एम यूजिंग अ सीजर, ब्लेड वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास. सो यस, आई एम सबसे ज़्यादा खुशी ना मुझे ये खोलते के साथ हो गई कि मुझे इसके साथ एक बैग मिल गया, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बैग. एनी वे, ये बैग तो सब ऑर्डिनरी बैग है जो हर कैमरे के साथ मिलता है. एंड ओवर हियर इज द बॉक्स. वाओ मैन, सो दिस इज हाउ द बॉक्स इज लुकिंग. एंड इट सेज कैनन EOS M50. और इसके साथ जो लेंस मिल रही है वो है EF M15, 15-45mm की लेंस है, 24.1 मेगापिक्सल है, 12 पिक्सल ऑटो फोकस विच इज़ रियली गुड. अब मुझे ऑटो फोकस की कोई टेंशन नहीं होगी. APS-C सेंसर है एंड दिस कैमरा इज़ 4K, नॉट दिस कैमरा, सॉरी, दिस कैमरा इज़ 4K और वेरी एंगल LCD, वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ सब चीज़ें हैं. एंड इट इज़ सील्ड विच इज़ गुड थिंग. सो आई जस्ट शो यू द बॉक्स, दिस इज़ हाउ इट is. So ये box खोलने के साथ कुछ पेपर वर्क, यूजर गाइड्स मिल जाते हैं, बट आई डिड नॉट गेट द बिल. यस, बिल इज ओवर हियर, जो कि थोड़ा भीग गया. आई नीड टू ज़ेरॉक्स इट, ये मुझे अच्छे से रखना है फॉर वारंटी. ओके, मैंने आपको दिखा दिया. सो यहाँ पे ये यूजर मैनुअल है और कुछ एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड्स. ओके, ये सब बाद में देखेंगे. तो खोलने के साथ हमें क्या मिलता है, इसमें एक ये स्ट्रैप और हमें मिलता है इसमें एक 16GB का सैंडिक्स अल्ट्रा मेमोरी कार्ड और माइक्रो SD कार्ड, वॉट एवर यू कॉल इट. सो ये चीज़ हो गई. ओ, हियर कम्स द बैटरी. तो ये बैटरी है, काफ़ी छोटी है. इस कैमरे की जो
मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे तो बैटरी बैकअप कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस कैमरे का। देन कम्स द चार्जर, और अफसोस की बात है दिस इज़ नॉट अ यूएसबी चार्जर, ना आई कैन नॉट चार्ज इट विद माई पावर बैंक आई थिंक, एंड दिस इज़ द चार्जर ओवर हियर। अच्छा होता कि अगर मैं इसे पावर बैंक से भी चार्ज कर पाता। सो ओवर हियर बॉडी लेंस, जो बॉडी है वो मैं बाद में निकालूंगा आखिर में। सो हियर कम्स द लेंस, लेंस को तो खोल के ज़रूर दिखाना है, एंड काफ़ी अच्छी पैकिंग में है। सो दिस इज द लेंस ओवर हियर, विच इज 15x45mm, काफ़ी वाइड वीडियो आने वाले हैं इसमें। माई फर्स्ट DSLR कैमरा, मेरा फर्स्ट, और ये सोच लीजिए कि आप मेरे खानदान का दूसरा कैमरा है। इससे पहले मेरे कज़न ने ओन करा था ये कैमरा। एंड ओवर हियर कम्स द बॉडी, ओह यस यस, वाओ, द मेन पार्ट बॉडी ऑफ दिस कैमरा, एंड जस्ट लुक हाउ कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट तो आपको फील नहीं होगा कैमरे में, बट हाउ कॉम्पैक्ट दिस इज एंड हाउ स्मॉल इट इज, विच इज़ अ वेरी पावरफुल कैमरा। The build quality feels pretty premium. Oh yes. So I'll keep this aside. So yes, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कुछ 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, इसका ऑटो फोकस जो है बहुत ही अच्छा है, इससे मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे बहुत ही अच्छा है। बट द सैड पार्ट इज़, मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा पहला कैमरा है, आई हैव जीरो आइडिया ऑन हाउ टू ऑपरेट दिस कैमरा, लेकिन वो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मेरे कज़न है खालिद दा, ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अमुकिम प्रोडक्शन को आप जानती हैं, वो तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, और मेरे एक और जान पहचान के दा हैं अभिमनु दा, ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड सिनेमाटोग्राफर, सो उन लोग काफ़ी हेल्प करने वाले हैं मुझे। सो आई जस्ट गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ दिस कैमरा। सो ये कुछ आगे से ऐसा दिखता है इस साइड से, यहाँ पे सारे बटन्स डायल्स वगैरह हैं, और पीछे से ऐसा दिखता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा इज हैज एन आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन, सो नाउ व्हेन आई व्लॉग आई कैन सी माय सेल्फ इन दिस स्क्रीन, और इसीलिए मैंने दूसरे कैमरे से M50 को चूज़ करा, क्योंकि बहुत सारे कैमरेज में क्या था कि उसमें टिल्ट स्क्रीन थी, अगर यहाँ पे मैं कोई माइक लगाता या कुछ लगाता तो वो स्क्रीन के बीच में डिस्ट्रैक्शन आता, सो नाउ इट विल बी pretty easy to vlog, and how lightweight this camera is. So अब इसकी डालनी है हमें बैटरी, here comes the battery, ये शायद कवर मुझे, अब डालते हैं मेमोरी कार्ड, और ये चीज़ करने में मुझे डर लग रहा है कि अब ये लेंस कैसे लगाना है। सो मैंने एक देखा था ये वाइट डॉट, और स्क्रीन में भी इसमें भी एक वाइट डॉट है, सो दिस इज pretty much the mirror sensor over here. Yes, pretty easy. So now lens लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है कैमरा, और यहाँ पे एक अनलॉक करनी है मुझे लेंस, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने YouTube से ही सीखी। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, अब मुझे इसे ऑन करना है। सो डेट एंड टाइम मांग रहा है मुझे यहाँ पे। ओह शिट, देयर इज नो चार्ज, चेंज द बैटरी पैक। हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल जो है M50 की बैटरी में चार्ज नहीं था तो मैं उसे फर्दर चला नहीं पाया। आज हम क्या करेंगे, इसके वीडियो का और माइक का, इंटरनल माइक का टेस्ट कर लेंगे, और ये कंपैरिजन भी हो जाएगा GoPro Hero 7 Black का और ये M50 के वीडियो क्वालिटी का। सो अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने GoPro Hero 7 Black में विद इट्स इंटरनल माइक, एंड आई एम हैंड होल्डिंग दिस कैमरा। नाउ आई विल स्विच ऑन टू दिस M50। Okay, so now I'm using this Canon M50 and I'm also hand holding this camera with its internal mic, and best part about this camera is I can even look at myself on my right because it has an articulating screen. अब बहुत अच्छे से दिख रहा है कि मैं अब फ्रेम में हूँ या नहीं हूँ, जो कि मुझे अपने GoPro Hero 7 में पता नहीं चलता था, और इसका ऑटो फोकस, ओ माई गॉड, मतलब मुझे कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग,
सो यस, ये हो गया इंडोर टेस्ट। अब हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके करते हैं आउटडोर टेस्ट। सो दिस इज द आउटडोर टेस्ट फ्रॉम द GoPro Hero 7 Black विद इट्स इंटरनल माइक एंड आई एम हैंड होल्डिंग द कैमरा सो यू कैन सी हाउ द वीडियो इज लुकिंग। Now I'll switch on to the Canon M50. Guys, video test on the Canon M50. Hand holding the camera with its internal mic, and I'm sure there's a lot of difference. और जो दिन है बहुत gloomy है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। And अभी जो मैं कैमरे को चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ ऑटो मोड में, और अगर इस कैमरे की मुझे जो ट्रू पोटेंशियल देखनी है तो मुझे इस कैमरे को मैनुअल मोड में यूज़ करना होगा। ऑटो मोड में इट विल जस्ट बी लाइक माई स्मार्टफोन्स कैमरा। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। I hope you guys enjoyed watching this vlog or the unboxing video. And ये जो मैंने कैमरा मंगाया था वो मंगाया Amazon से, और मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी 47,999 और कॉल इट 48,000। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के स्पेक्स और बाकी सारी चीज़ें। सो ओके, आई एंड द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज यूजल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई एम अबू उरारा साइनिंग ऑफ।